तो गाइज यूट्यूब जो है अपने प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए नए नए अपडेट्स लेकर के आता रहता है। अब जो है यूट्यूब ने एक नया अपडेट लेकर के आया है, जहाँ की पहले आप सभी लोगों को कोई भी वीडियो का क्वालिटी चेंज करना होता था तो आप सभी लोग डायरेक्टली क्वालिटी पे क्लिक करके कोई भी अपना मनपसंद क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेते थे। अब जो है यूट्यूब में एक नया अपडेट आ गया, जहाँ की पहले आप सभी लोगों को डायरेक्टली क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन मिलता था, वहाँ पे अब आप सभी लोगों को चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें कि सबसे पहला है ऑटो। ऑटो में क्या होगा कि यूट्यूब आपका नेटवर्क का स्पीड देखेगा, ये देखेगा कि आप लोग वाईफाई पे हो कि मोबाइल डाटा पे हो, ये सभी चीज देख करके अपने हिसाब से आप लोगों को वीडियो दिखा देगा। अपने हिसाब से जो क्वालिटी उसको अच्छा लगेगा आपके इंटरनेट स्पीड वगैरह के हिसाब से वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली दिखा देगा। उसमें दूसरा ऑप्शन होता है गाइस हायर पिक्चर क्वालिटी। हायर पिक्चर क्वालिटी में क्या होगा गाइस कि यूट्यूब जो है आप सभी लोगों को HD वीडियोस दिखाएगा, जिसमें कि आप लोगों का डेटा है डेटा बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होगा और साथ ही साथ आपका इंटरनेट भी उसमें स्पीड होना पड़ा। अगर आप लोगों का इंटरनेट स्पीड है और आप लोग वाईफाई वगैरह या फिर ब्रॉडबैंड यूज करते हो या फिर आपके पास अनलिमिटेड डेटा है तो आप सभी लोग हायर क्वालिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है गाइस डेटा सेवर, जिसमें कि यूट्यूब जो है आप लोगों को लोअर क्वालिटी वीडियो दिखाएगा और उसमें जो है आप लोगों का डेटा ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके पास इंटरनेट स्पीड स्लो है तो आप सभी लोग डेटा सेवर को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद गाइस फोर्थ ऑप्शन आता है एडवांस। जब आप सभी लोग एडवांस पे क्लिक करोगे तो जैसे आप सभी लोग पहले जो भी क्वालिटीज वगैरह सिलेक्ट कर पाते थे वैसे ही आप सभी लोग इसमें भी जो भी आप सभी लोग क्वालिटी देखना चाहते हो उसको डायरेक्टली उधर से सिलेक्ट करके वही चीज को देख सकते हो। इसमें जो है गाइस मुझे एक चीज थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि आप सभी लोग मान लीजिए अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो में आप सभी लोगों ने जो भी क्वालिटी सिलेक्ट किया और आप सभी लोग वो क्वालिटी में ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप सभी लोग मान लीजिए अब दूसरा वीडियो देखने जाओगे तो आप लोगों को फिर से नया क्वालिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपका जो क्वालिटी है वो ऑटो पे रहेगा। आप सभी लोग जितना बार वीडियो दूसरा वीडियो देखने जाओगे हर एक वीडियो में ऑटो पे ही रहेगा। अगर आप सभी लोगों को दूसरा क्वालिटी में देखना है तो उधर से मैनुअली आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।